तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इस टाइम में शेयर मार्केट जो है काफी डाउन हो गया है, जिसके कारण काफी सारे इन्वेस्टर शेयर मार्केट में और SIP में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और एक तरफ गोल्ड का प्राइस जो है हाई होता जा रहा है, जिसके कारण काफी सारे इन्वेस्टर जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आसानी से गोल्ड में SIP कर सकते हो, वो भी फोन पे के थ्रू। तो कैसे करते हैं, क्या है प्रोसेस, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, और अगर आपके चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू SIP करते हैं गोल्ड में। तो फोन पे के थ्रू गोल्ड में SIP करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कर दिखाता हूँ किस प्रकार आसानी से फोन पे के थ्रू SIP कर सकते हो गोल्ड में। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन में चले जाते हो तो स्क्रॉल करके नीचे तरफ आना है और उसके बाद यहाँ पर परचेस वाले ऑप्शन में गोल्ड का ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर आप गोल्ड में SIP करना चाहते हो तो यहाँ पर गोल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है गोल्ड का लाइव प्राइस शो कर रहा है, जो कि है 7,865.34 रुपये पर ग्राम प्लस GST भी लगेंगे। और अगर आप गोल्ड में SIP करना चाहते हो तो नीचे में आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, स्टार्ट SIP और बाय वन टाइम। तो अगर आप SIP करते हो गोल्ड में तो जितने अमाउंट का आप SIP करते हो उतना अमाउंट जो है प्रत्येक महीने के SIP डेट को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेडिकेट कर लिया जाते हैं। और अगर आप बाई वन टाइम करते हो तो आपको एक बार में ही 5,000, 10,000, 20,000 या 30,000 जितना अमाउंट इच्छा अनुसार आप करना चाहते हो एक बार ही करना होता है, उसके बाद आपको पे नहीं करना होता है। तो अगर आप SIP करना चाहते हो गोल्ड में फोन पे के थ्रू तो आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर SIP के कुछ नियम बता दिए गए हैं फोनपे के द्वारा कि SIP के जो अमाउंट है तो SIP डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेडिकेट कर लिए जाएंगे और कितने अमाउंट डेडिकेट किए जाएंगे वो भी आपको बता दिए जाते हैं। और गोल्ड में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को कभी भी आप स्टॉप करना चाहते हो या गोल्ड को सेल करना चाहते हो कभी भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस चेंजेस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप SIP करना चाहते हो तो नीचे में स्टार्ट मंथली SIP वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और मंथली SIP वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अपना SIP डेट को सेट करना है, जिस डेट को आप SIP अमाउंट को पे करना चाहते हो उसी डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल तौर पर अगर आप 7 तारीख या 8 तारीख को अपना SIP अमाउंट को पे करना चाहते हो या आपके बैंक अकाउंट से डेडिकेट कर लिए जाएंगे, उस डेट को आपको अमाउंट उतना रखना है, 500 या 100 रुपये जितने का आप SIP करते हो गोल्ड में उतना अमाउंट आपको अपना बैंक में रखना है ऑटोमेटिकली डेडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर पर 7 तारीख सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है कितना आप अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या SIP करना चाहते हो। तो मिनिमम 100 रुपये यहाँ पर दे सकते हो और उसके बाद आप 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी आप गोल्ड में SIP करना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप SIP को किसी कारण से पॉज करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो एनी टाइप कभी भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप कितने साल या ईयर के लिए आप SIP करना चाहते हो गोल्ड में, यहाँ पर सी मोर वाले ऑप्शन क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सी मोर वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अमाउंट शो करता है मंथली इन्वेस्टमेंट का और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, कितने ईयर के लिए आप करना चाहते हो SIP गोल्ड में आपको सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर 5 ईयर के लिए सेलेक्ट लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूज दिस सिलेक्शन वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ईयर गोल्ड सेविंग यहाँ पर शो कर रहा है और उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल शो कर देता है कि आपका SIP अमाउंट कितना है और मंथली आपको पेमेंट करना होगा और SIP डेट कब का है, किस डेट को आपका SIP अमाउंट जो है डेडिकेट किया जाएगा बैंक अकाउंट से वो भी डेट यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पे सेटअप ऑटो पे वाला ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना UPI पिन देना है और उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हो उसके बाद जो है सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है और उसके बाद SIP जो है गोल्ड में हो जाता है फोनपे के द्वारा। तो इस प्रकार से आसानी से SIP कर सकते हो गोल्ड में फोन पे के थ्रू। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है किस प्रकार से SIP करें फोन पे के थ्रू तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।